स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे क्लास थर्ड EVS चैप्टर नंबर 4, फूड फीडिंग एंड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। मतलब इसमें हम लोग फूड कैसे वो लोग फूड को खाते हैं, क्या क्या उनकी हैबिट्स होती है एनिमल्स की, उसको समझेंगे। फिर एनिमल्स की अलग अलग डिफरेंट हैबिट्स के बेसिस पर उनको कैसे क्लासीफाई किया गया है वो देखेंगे। एंड लास्ट हम लोग समझेंगे फूड चेन, कैसे एक फूड चेन कम्प्लीट होती है एनिमल्स के अंदर, इसको हम समझेंगे। ओके बेटा, हम कंटिन्यू करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर इज क्लासीफाई करेंगे हम एनिमल्स को उनकी ईटिंग हैबिट्स पे, हैबिट्स पे। देन उसके बाद हम उनको हर्बीवोर्स क्या होते हैं, कार्निवोर्स क्या होते हैं, ओमनिवोर्स क्या होते हैं, इनको पता लगाएंगे। फिर फूड चेन क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ आपको वार्मअप एक्टिविटी दी रखी है बेटा, जिसमें आपको एनिमल्स को उनके फूड के अकॉर्डिंग शेयर करना है। जैसे फर्स्ट डॉग है, डॉग के लिए बोन है, काऊ के लिए ग्रास है, ऐसे करके रिमेनिंग टू के लिए भी उनके फूड्स दिए हैं। नाउ इंट्रोडक्शन। आपको पता है हमारा अर्थ जो है बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स को कंसिस्ट करके रखता है, और ऐसे ही उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईटिंग हैबिटेट्स होती हैं। पर सबके बीच में क्या होता है, एक चीज़ कॉमन होती है, उन सबको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, खाने की ज़रूरत पड़ती है काई के लिए, एनर्जी के लिए, ठीक है, ताकि वो अपने अपनी बॉडी को क्या कर सके, अलाइव रख सके और एक्टिव कर सके। नाउ इस चैप्टर में हम समझेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड कैसे होते हैं, कौन सा एनिमल कौन से फूड को खाता है, और उस बेसिस पर उन्हें कैसे क्लासीफाई करते हैं ये समझेंगे। नाउ व्हाई डू एनिमल्स नीड फूड। आपको पता ही, एनिमल्स को फूड की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ताकि उन्हें एनर्जी मिल जाए। एनर्जी मिलेगी तभी तो वो आगे सर्वाइव करेंगे, ग्रो कर पाएंगे, हेल्दी रहेंगे। आपने कभी ऐसा सोचा है कि ये फूड आता कहाँ से है, ये फूड्स हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। आपको इस टेबल में ऐसे फूड के बारे में लिखना है जो हमें प्लांट से मिलते हैं, और ऐसे फूड के बारे में लिखना है जो हमें एनिमल से मिलते हैं। तो प्लांट बेस्ड फूड में हमने लास्ट वाली वीडियो में भी समझा था कि प्लांट से हमें जैसे कैरेट है, स्पीनच है, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, ये सारे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जो प्लांट से मिलते हैं। और एनिमल से हमें मिल्क मिलता है, मीट होता है, तो ये सारी चीज़ें किससे मिलते हैं, हमें एनिमल से मिलते हैं। तो यहाँ आपको 5 नेम्स लिखने हैं प्लांट्स के भी और एनिमल्स के भी। नाउ एनिमल्स एंड देयर ईटिंग हैबिट्स, उनकी ईटिंग हैबिट्स के बेसिस पर हमने एनिमल्स को तीन वेज में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट वन इज कार्निवोरस, सेकेंड वन हर्बीवोरस, थर्ड वन इज ओमनिवोरस। एग्जाम्पल्स ऑफ कार्निवोरस ये आपको दिख रहे हैं, लॉयन है, ये किसी और एनिमल को खा रहा है, ऐसे शार्क है और स्पाइडर है। नाउ हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ग्रास को खाते हैं, लीव्स, फ्लावर्स, सीड्स, इवन द बार्क्स ऑफ ट्रीज, जैसे जायंट पांडा, शीप, ज़ेब्रा, जिराफ आर एग्जाम्पल्स ऑफ हर्बीवोर्स। एनिमल्स लिव्स इन हार्ड कंडीशन, देयरफॉर दे एक्वायर्ड स्पेशल स्किल दैट हेल्प देम टू गेट फूड दे नीड टू सर्वाइव। दिस स्पेशल स्किल इज कॉल्ड अडेप्टेशन। अब क्या होता है बेटा, ज़रूरी नहीं है सब जगह की कंडीशन एक जैसी हो, तो वो अलग अलग कंडीशंस में रहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो फूड उन्हें जो उनके स्पेशल स्किल के कारण वो उस फूड को क्या कर लेते हैं, कैच कर पाते हैं, ताकि वो उसको खाकर सर्वाइव कर सके। और ये स्पेशल स्किल को बोला जाता है अडेप्टेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे जिराफ के पास क्या होती है, टॉल नेट्स होती है, ताकि वो लीव्स जो पेड़ की बड़ी बड़ी पत्तियां रहती हैं वहाँ तक जा पहुँचे, वो जा सके और खा सके वहाँ से। ऐसे हर्बीवोर्स जैसे डियर्स है, हॉर्सेस है, डू नॉट सच स्पेशल स्किल बिकॉज दे कैन बेंड डाउन देयर नेक इजीली टू ईट ग्रास। अब इनके पास क्यों नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी इजीली अपनी नेक को नीचे बेंड कर सकते हैं ताकि वो ग्रास को खा सके। ना ओमनिवोर्स, ओमनिवोर्स ऐसे होते हैं जो प्लांट को भी, प्लांट से मिले प्रोडक्ट को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। इसमें हम ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, बियर्स है, माइस है, स्क्वायरल्स है, क्रोज है, आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओमनिवोर्स। ये आपको दिख रहा है, क्रो दिया है या माउस दिया है। ना फूड फ्रॉम डोमेस्टिक एनिमल्स, एनिमल्स जिसको हम फार्म्स और होम्स पे रखते हैं उनको हम डोमेस्टिक एनिमल्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स लाइक काउज एंड हॉर्सेज, गोट, शीप, डॉग्स, ही कैन बी टेम्ड एंड कैप्टिव फार्म्स एट और होम्स। डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, हर एनिमल का अलग अलग खाना होता है। डोमेस्टिक एनिमल्स मोस्टली फीड ऑन फॉडर एंड प्लांट्स मटेरियल। ये जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं नेम दिए हैं, उनके बेसिस पर वो लोग क्या खाते हैं वो दिए हैं, तो आपको यहाँ पर इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे काऊ के लिए ग्रास है, पिग्स के लिए सीरियल ग्रेन्स, ऑयल, सीड, मीट प्रोडक्ट्स, चिकन्स के लिए ग्रास है, फिश के लिए फिश मील है। नाउ डोमेस्टिक एनिमल्स एंड देयर यूजेस, अब उनका यूज़ कैसे करते हैं हम लोग देखते हैं। काऊ बफेलो हम यूज़ करते हैं ताकि वो हमें मिल्क दे सकें, शीप और हैन मीट देते हैं, हैंस डक्स गिव्स अस एग देते हैं, ऑक्सन बफेलो हॉर्सेज आर यूज्ड इन फार्म फॉर प्लोइंग, फार्म्स में यूज़ करते हैं हम लोग इसका,
हॉर्सेज, डोंकीज, बफेलोज आर यूज फॉर कैरिंग लोड्स, बहुत सारे हैवी लोड्स को लेने के लिए भी हम इनका यूज़ करते हैं। ना फूड एंड फीडिंग हैबिट्स ऑफ सम अदर एनिमल्स, आपको पता है सारे लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, फूड चाहिए ग्रो करने के लिए। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, सो देयर मैनर ऑफ ईटिंग इज ऑल्सो डिफरेंट, देयर टीथ आर ऑल्सो मॉडिफाइड टू सूट देयर मोड ऑफ ईटिंग। अब आपको उनका खाने का तरीका भी अलग होता होगा, तो उनको खाने के लिए जो उनके टीथ होते होंगे वो भी डिफरेंट होते होंगे। या दिख रहे हैं आपको सब अलग अलग तरीके के टीथ दिए गए हैं, लॉयन के अलग है, ये लास्ट वन और फर्स्ट वन अलग दिया हुआ है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं बेटा जो स्वेलो निगल जाते हैं, बिना उनको चबाए खाल ऐसे निगल जाते हैं, जैसे अर्थ वॉर्म, रैप्टाइल, स्नेक, फ्रॉग, लिजार्ड, ये सब क्या, तो इनके टीथ नहीं होते, ये क्या कर लेते पूरे के पूरे फूड को स्वेलो कर लेते हैं। नाउ स्नेक्स कैन सेपरेट आउट देयर जॉस टू ओपन देयर माउथ वाइड टू स्वेलो देयर फूड, क्या कर लेता है स्नेक्स अपने माउथ को इस तरीके से ओपन कर लेता है दोनों साइड से, ताकि वो जो भी प्रे है उसका उसको इजीली क्या कर सके, स्वेलो कर सके। कुछ एनिमल्स उनके टंग के थ्रू कैच करते हैं फूड्स को, जैसे फ्रॉग, लिजार्ड होते हैं। बर्ड्स ऑल्सो स्वेलो सम स्टोन्स अलॉन्ग विद देयर फूड, स्टोन्स हेल्प इन क्रशिंग द फूड दे ईट, स्टोन्स को भी खा लेते हैं ताकि वो स्टोन से जो फूड उन्हें खाया है उसको वो क्रश कर सके। एनिमल्स दैट टीयर इन च्यू फ्लैश, जैसे लॉयंस, टाइगर्स, उनके शार्प पॉइंटेड और कर्व टीथ होते हैं। एलिगेटर्स हैव अ लार्ज माउथ कंसिस्टिंग ऑफ अ शार्प पॉइंटेड टीथ, दे ग्रैब एनिमल्स विच कम्स टू ड्रिंक वाटर, वो क्या करते हैं उनके आसपास जो पानी पीने आते हैं एनिमल्स उनको क्या कर लेते हैं, पकड़ के खा लेते हैं। तो ये आपको दिख रहे हैं क्रोकोडाइल टीथ दिया है, लॉयन का टीथ दिया है। नाउ एनिमल्स दैट च्यू एंड स्वेलो देयर फूड, दोनों टाइप्स के होते हैं, जो च्यू भी करते हैं स्वेलो भी करते हैं। हर्बीवोर्स लाइक डियर, जिराफ ईट ग्रास एंड लीव्स, दे हैव ब्रॉड फ्लैट शार्प फ्रंट टीथ टू कट देयर फूड, उनके पास जो टीथ रहते हैं बहुत कट शार्प रहते हैं ताकि वो फूड को क्या कर सके, कट कर सके। काउ, बफेलो बाइट द ग्रास एंड स्वेलो इट, पहले वो उसको चबाते हैं फिर उसको स्वेलो करते हैं। देन ब्रिंग बैक फूड इन टू द माउथ एंड च्यू इट स्लोली, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड च्यूइंग द कट, क्या करते हैं वो पहले खाने को थोड़ा सा चबा के अंदर ले लेते हैं फिर वो वापस उस फूड को लेते हैं, धीरे धीरे उसको चबाते हैं। नाउ एनिमल्स दैट ग्रो दैट नो देयर फूड, माइस एंड रैबिट्स हैव शार्प फ्रंट टीथ टू नो देयर फूड्स, मार्क्स उनके टीथ क्या होते हैं बहुत शार्प होते हैं ताकि वो अपने फूड को क्या कर सके, खा सके। टेकिंग स्मॉल बाइट, छोटी छोटी बाइट्स में खाते हैं, एकदम छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं उनके। नाउ एनिमल्स दैट लैप मिल्क एंड वाटर, जो दूध पी के जीते हैं, जैसे डॉग हुआ लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, कैट हुई है। एनिमल्स दैट सक देयर फूड्स, ऐसे एनिमल जो सक करके, जैसे मॉस्क्यूटो हमारा ब्लड लेता है, बटरफ्लाइज, हनी बीज, ये नेक्टर्स जो फ्लावर्स के ऊपर नेक्टर रहते हैं उनका जूस निकाल के पीते हैं, ये दिख रहा है आपको इस तरीके से। नाउ डोमेस्टिक एनिमल्स नीड केयर, अब डोमेस्टिक एनिमल्स जो आप घर में पाल रहे हैं उनको डेफिनेटली केयर की भी ज़रूरत रहती होगी, उनके आसपास अच्छे से प्रॉपर क्लीननेस हो। उन एनिमल्स हमारे फ्रेंड्स ही होते हैं तो हम उसको अलग अलग तरीके से रख सकते हैं हमारे घर में ताकि वो हमारी हेल्प कर सके। इट इज़ अवर ड्यूटी टू सर्व एंड टेक केयर ऑफ देम, ये हमारी ड्यूटी रहती है कि हम उनकी हेल्प करें, उनको ध्यान रखें, जैसे क्लीन देम ऑफन, जब हमें ज़रूरत है कि उन्हें वॉश करें। उनको जो मेडिसिन वगैरह लगती है वो दें प्रॉपर, उनको हेल्दी फूड दें, उनको फिर हैवी वर्क से बचा के रखें, उनको टीज, दूसरे एनिमल्स जो टीज करते हैं उनसे हम बचा के रखें। नाउ फूड चेन, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज फूड चेन। फूड चेन एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है जो ये शो करता है कि कैसे लिविंग थिंग फूड को लेता है और एनर्जी मिलती है उसको। नाउ इंटरेस्टिंगली मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी ईट कम्स फ्रॉम प्लांट्स, एंड सम एनिमल्स ईट प्लांट्स, सम एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स। अ सिंपल फूड चेन बिगिंस विद प्लांट लाइफ एंड एंड्स विद एनिमल लाइफ। अब इस समय समझ में आ रहा है कि प्लांट को खा के एक लाइफ शुरू होती है और एंड होती है एनिमल्स लाइफ से। फॉर एग्जाम्पल इन दिस पिक्चर वी कैन सी दैट, आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं बेटा, सबसे पहले क्या है, कैटरपिलर है, कैटरपिलर है, कैटरपिलर ने फ्लावर से अपना फूड लिया, कैटरपिलर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को आउल ने खाया, तो क्या हुआ ये चेन बन गई आपको। तो इस तरीके से एक कंप्लीट चेन हुई जिसमें हम बोला जाता है कि प्लांट्स क्या होते हैं, प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड होते हैं, क्योंकि किसने, कैटरपिलर ने सबसे पहले फ्लावर यानी कि प्लांट से ही तो लिया था अपना फूड, तो प्लांट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड। ओके, तो ये होती है बेटा फूड चेन। जैसे हनी बीज सक नेक्टर्स फ्रॉम फ्लावर्स, एलिफेंट की ट्रंक होती है वाटर पीने के लिए, रेप्टाइल्स स्वेलो देयर फूड टेक अ होल। अब यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दे रखे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करे थे चैप्टर में,
गनॉ टू बाइट और च्यू फूड वैक्सीनेशन एक ट्रीटमेंट होता है जिससे बॉडी स्ट्रांग हो जाती है, जर्म्स के अगेंस्ट लड़ पाती है। फार्म एक पीस ऑफ लैंड होता है जहाँ पे हम प्लांट्स और एनिमल्स को ग्रो कराते हैं। अडेप्टेशन एक द एक्ट बाय विच एनिमल्स बिकम बेटर सूटेड टू इट्स एनवायरमेंट, मतलब वो एक ऐसी जगह रहती है ताकि वो एनिमल्स क्या हो उस एनवायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर पाए, यानी रह सके उसके अंदर। तो बेटा इसके साथ ये चैप्टर कार्निवोर्स और हर्बीवोर्स, फिर हमने उनकी ईटिंग हैबिट्स से ये देखा था कि कैसे उनके अलग अलग टाइप्स के टीथ होते हैं जिसके थ्रू वो अपने फूड को क्या करते हैं, खाते हैं। फिर हमने समझे थे कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो स्वेलो कर लेते हैं, कुछ अपने टीथ से बाइट करके करते हैं, कुछ पहले खा लेते हैं फिर वापस से उसको लेकर फिर वापस उसको बाइट करते हैं। तो ऐसे करके इस चैप्टर के अंदर हमने समझा कि एनिमल्स कैसे फूड को लेकर खाता है और उसकी इससे उसको एनर्जी मिलती है। फूड चेन समझी लास्ट में कि उस समय फाइनली एक कंक्लूड किया कि प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड होते हैं। इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है बेटा। थैंक यू।